फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मेरे इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू। आइए दिखाते हैं कैसे बनाते हैं तिल के लड्डू। कढ़ाई को गर्म कर लिया। अब उसमें हम डालेंगे तिल, जो कि मैंने साफ करके रख लिया था भुनने के लिए। इसको भुनते हैं। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं मेरा तेल भून चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसी कढ़ाई में गुड़ पिघला के फिर बनाते हैं तिल के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए मैं एक गिलास पानी यूज करूँगी। उसमें 10 से 12 गुड़ डालूंगी, जो कि मैंने वैसे खड़े खड़े ले लिए हैं। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। इसको एक तार की चाशनी बनानी है ताकि मेरे लड्डू अच्छे से बन जाए। आप देख सकते हैं मेरा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा है, इसको मैं पका रही हूँ। मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि इस चाशनी की गोली नहीं बनने लगेगी। मैंने चाशनी को 8 से 10 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं कि मेरी चाशनी ऐसी हो चुकी है। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा पानी में डाल के मेरी चाशनी बन चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी गोली बनने लगी है। हम इसको बंद कर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हम चाशनी को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम लड्डू को बनाएंगे। मेरी चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब बाकी के जितने तिल है सारे तिल मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी ऐसे। मैंने सारे तिल को इकट्ठा मिक्स कर लिया है। मैं तिल को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मिलती हूँ आपसे तिल को मिक्स करने के बाद। मैंने तिल को अच्छे से गुड़ में मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। मैं इसको प्लेन बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स मूँगफली भी डाल के बना सकते हैं। मेरे यहाँ सबको ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। और मैं हाथ में घी लगा के तब बांध रही हूँ। आप चाहे तो पानी लगा के भी बांध सकते हैं। मैं बना रही हूँ इतने छोटे छोटे। याद रहे कि थोड़ा सा गर्म है, जितना आप सह सकें उतने गर्म पे आप बना सकते हैं। पीछे से मेरी बेटी मुझे परेशान कर रही है कि मुझे तिल के लड्डू चाहिए। आप घी ऑयल लगा के जब करेंगे तो आपके हाथ में ज़्यादा चिपकेगा नहीं। और गर्म बहुत रहता है ये, थोड़ा ठंडा करके ही आप इसको बनाइएगा। बहुत गर्म है। मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। मैं बना रही हूँ लड्डू को। मैंने इतने बड़े साइज़ में लड्डू बनाया है।
आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपसे मिलते हैं लड्डू बनाने के बाद। मैं लड्डू को जल्दी बना रही हूँ, जल्दी जल्दी बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको पूरा एक साथ मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसे थोड़ा थोड़ा भी मिक्स करिए, क्योंकि ठंडा होने पर फिर ये बनता नहीं है जल्दी। ये बन रहा है मेरे लड्डू। मिलते हैं आपसे लड्डू बनाने के बाद। आप देख सकते हैं मेरे इतने सारे लड्डू बन चुके हैं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।